हेलो दोस्तों, कैसे आप? ये दोस्तों नोट 6 प्रो, इसका जो है हैंड फ्री जैक है, ये जो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो हमको इसको रिपेयर करना है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्या है ना, इसके सिम ट्रे निकाल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि तो वो बैक ढक्कन खोलने के लिए बैक कवर इसे बोलते हैं, बैक पैनल भी बोलते हैं, ठीक है? इसे खोलने के लिए हम सिम निकालनी पड़ेगी सिम ट्रे, ठीक? अब हम इसको फटाफट से खोल लेते हैं दोस्तों। सारे खोल लिए, हमें को पीसीबी को निकाल लेते हैं, ठीक है? पीसीबी निकालेंगे जब हमें पता चलेगा जो इसका जो हैंड फ्री जैक है इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये सावधानी से हम निकाल लेते हैं इसको, ये नेटवर्क का जरूर ध्यान रखें, ठीक? तो ये निकाल लिया हमने, ठीक? तो ये रहा इसका हैंड फ्री जैक, जो कि है ना कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है, तो कस्टमर बहुत परेशान हो रहा है, इसलिए हमको हैंड फ्री जैक में पहले तो देख लेते कहीं कचरा वगैरह तो नहीं पता। तो दोस्तों हम देख लेते हैं ये इसमें से कचरा वचरा तो नहीं फंसा है। दोस्तों ऐसे लग रहा है कचरा ही फंसा है ना? तो हम इसको निकाल लेते हैं। आप पतली से कुछ भी ले लीजिएगा, पिन वगैरह या सुई वगैरह, ठीक? उससे हम इसका जो है कचरा साफ कर लेते हैं, फिर इसमें जो है हैंड फ्री लगा कर पहले देख लेते हैं क्या कचरा है। बहुत ध्यान से करना है दोस्तों, ऐसे में कोई भी प्रिंट डैमेज हो सकती है, ठीक है? इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से पूरे ध्यान से करना है, ठीक है? ताकि ऐसे में प्रिंट वगैरह डैमेज ना हो जाए, है ना? तो हम ये इसको निकाल लेते हैं, ये तो निकल गया, ठीक? और हम इसके अंदर देख लेते हैं कहीं कचरा वगैरह धूल वूल या फिर कुछ इसके अंदर चला तो नहीं गया, ठीक? तो ये हम कचरा भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से लग रहा है कि दोस्तों कचरा कुछ ज़्यादा ही फंसा हुआ है, ठीक? तो ये हम इसको इस प्रकार से देख लेते हैं। ये देख लो दोस्तों, ये कचरा निकल चुका है, ये देखो आपके सामने मैंने निकाला है, ठीक है? ये कचरा और थोड़ा बहुत जो है हम साफ़ कर लेते हैं इसको, है ना? फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये साफ़ कर लिया है, ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं, मतलब हमें जो मोबाइल की जो फ्रेम है उसके अंदर इसका बोर्ड लगा देते हैं, है ना? नोट 6 प्रो है जिसका कि अपना हैंड फ्री जैक ख़राब हो गया था, जो कि हमने देख लिया कि उसमें कचरा भरा रहता है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था, है ना? तो देख लेते हैं अब हम इसको लगा के, है ना? और इसमें जो हैंड फ्री वगैरह है, ठीक, वो भी हम इसमें लगा के देख लेते हैं। एक बार इसको चालू कर लेते हैं दोस्तों, है ना? तो ये चालू हो जाए, फिर हम इसमें जो है हैंड फ्री लगा